राधे राधे गाइस। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस, ये आपके एडवांस एंड एक्सपर्ट पार्ट का 11th चैप्टर होने वाला है, जिसमें कि आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। दोस्त, आप लोगों ने काफी पैसा लॉस किया होगा, तो आज आपको सप्लाई एंड डिमांड की ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा। एंड सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, आपने बेसिक तो मैंने बता दिया, लेकिन अब सप्लाई एंड डिमांड का एडवांस बताने जा रहा हूँ, जो कि तुम्हें इसमें मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करना हर किसी को नहीं आता है। सबसे पहली बात सुन लो कि सप्लाई एंड डिमांड कहाँ बनता है। जिगजैग मूवमेंट एक रेंजिंग मार्केट में बनता है, जो नीचे से बनता है या ऊपर तक बनता है पूरा। जैसे ये मार्केट तुम्हारा हो जाएगा, एक सेकंड में ड्रॉ करके तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे तुम्हारा ये एक मार्केट ये हो जाएगा और एक मार्केट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो मार्केट होगा वहां पे एक सप्लाई एंड डिमांड बनेगा। देखो जैसे ये, फिर एक ये, फिर एक तुम्हारा ये, ठीक है। इसके बीच में सप्लाई यहाँ पे बनती है, यहाँ पे सप्लाई बनती है, यहाँ पे डिमांड बनता है। मैंने इतना तुम्हें बता दिया था बेसिक में। अब तुम्हें बताता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड का एडवांस पार्ट क्या होता है। कभी नहीं सुना होगा दोस्त, ना कभी देखा होगा कहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से है, मेहनत का है ये, ठीक है। आपको मिल जा रहा है, इसकी कदर करना, नॉलेज लो, आगे बढ़ो, यही चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको, आई होप, मैं देखो सबको ट्रांसपेरेंटली से सिखाऊंगा, तो सब सब सारे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। यहाँ पे जितने स्टूडेंट है मेरे, सब मेरे लिए एक जैसे हैं। वो चाहे मुझे अपना गुरु माने या ना माने, बस चाहे वो सीखने के लिए आए हो, अपने मतलब के लिए आऊँ, लेकिन भाई मुझे इग्नोर कर सकते हो, अपनी फैमिली को नहीं कर सकते ना। तो मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी फैमिली के लिए चीज कर रहा हूँ, कि तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तो कोई नहीं, मुझे नहीं मानते, बट अपनी फैमिली को मानना। जो हेटर्स भी हैं वो भी सीखें, अच्छे से सीखें, लेकिन अपनी फैमिली के सपने पूरे करना, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ दोस्त कि यहाँ पे कहाँ कहाँ सप्लाई है, कहाँ कहाँ डिमांड है, यहाँ पे कहाँ कहाँ इस दोनों चार्ट में, ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड है, ये तुम्हारा सप्लाई है, वो तुम्हारा डिमांड है, ठीक है। एक सेकंड, कॉल आ गया था मेरा, जरा मैं उठ करके इसको हटाता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो अब बताओ तुम कि ये तुम्हारा सप्लाई था और ये तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड है, सॉरी सप्लाई बोल दिया, ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड है, ये तुम्हारा अप ट्रेंड है। यहाँ पे सप्लाई कहाँ कहाँ है और डिमांड कहाँ कहाँ है, इसमें डिमांड कहाँ है और सप्लाई कहाँ है। देखो अप ट्रेंड में कभी सप्लाई होती ही नहीं है, कभी सुना था? लोग तुम्हें यही बताएंगे कि सप्लाई डिमांड हर जगह होता है। आज रियलिटी जान लो कि अप ट्रेंड में कभी सप्लाई होती ही नहीं है, ये रियलिटी है कि अप ट्रेंड में कभी सप्लाई नहीं होती है एंड डाउन ट्रेंड में कभी डिमांड नहीं होती है। क्या मैंने बोला? अप ट्रेंड में तुम्हारी कभी सप्लाई नहीं होगी, डाउन ट्रेंड में तुम्हारा डिमांड कभी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज को नोट करके रखना। अब मैं पूछता हूँ तुमसे, पूछूंगा सर ब्रदर सप्लाई कहाँ पे, तुम यही बताओगे कि एक सेकेंड, मैं इसको ये लेता हूँ। अब तुम मुझे ये बताओगे सर यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है। बट ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हारी करेक्शन वेव होती है, ये तुम्हारी करेक्शन वेव होती है, ये तुम्हारा करेक्शन वेव है, ये तुम्हारा करेक्शन वेव है, ठीक है। अब देखो तुम्हें चीज बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको जरा मैं पहले अंदर घुसा देता हूँ। चलो अब देखो, कभी भी डाउन ट्रेंड में डिमांड नहीं होती है, अप ट्रेंड में कभी सप्लाई नहीं होती है। अब देखो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी सप्लाई होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्त सप्लाई वगैरह कुछ नहीं होता, इस चीज को नोट करके रखना, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई वगैरह नहीं होता, यहाँ पे डिमांड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक। एंड अब बताता हूँ क्यों नहीं होता है। अगर यार यहाँ पे तुम्हारी सप्लाई होती, तुम्हारा मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता, सिंपल सा। अगर तुम्हारा यहाँ डिमांड होता, तुम्हारा मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता, सिंपल सा। ऐसे बना के, ऐसे यहीं से ऐसे बना के ऐसे ऊपर चला जाता, यहीं से बना के ये इसी पे लेके सपोर्ट नीचे आ जाता। नहीं है यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड, तो सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे नहीं है, तभी तुम्हारा मार्केट अप ट्रेंड में अप फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड में डाउन फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में सप्लाई एंड डिमांड कभी नहीं होता है, ठीक। ये चीज जान लिए। अब देखना ये जो तुम्हारा, अब देखो इसको तुम्हें फॉलो कैसे करना है। अप ट्रेंड में अगर मार्केट तुम्हारा हायर हाई बनाता है, हायर हाई अगर यहां बना रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे सप्लाई नहीं है। अगर इसने हायर लो बना दिया, अगर इसने हायर लो बना दिया, तो ये तुम्हें 3 से 5 मिनट की ट्रेडिंग में बता रहा हूँ, 3 से तुम 5 मिनट की ट्रेडिंग इस पे आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है। तो इस पे 1-2 मिनट की ज्यादा ट्राई मत करना ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा ट्रेड लेना है,
3 से 5 मिनट के, ठीक, उससे कम उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, जितना मैंने बोला है 3 से 5 मिनट की ट्रेड, यही इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा मार्केट इस हायर हायर लो पे आता है, तुम यहाँ से 3 से 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हो आराम से इजिली। जैसे ही तुम्हारा मार्केट इस हायर लो पे आता है, तुम 3 से 5 मिनट के लिए इजिली सेल कर सकते हो। जब भी तुम्हारा मार्केट हायर हायर लोअर हाई पे जाता है, तुम 3 से 5 मिनट के लिए इजिली सेल कर सकते हो। जैसे तुम्हारा मार्केट लोअर हाई पे जाता है, तुम इजिली 3 से 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हारा मार्केट लोअर हाई बना देगा, तो अगर यहाँ तक ये मार्केट, चलो मैं दूसरा चार्ट तुम्हें बता के दिखाता हूँ, इसमें तुम्हें कम समझ में आएगा, लेकिन हाँ इसमें तुम्हें इतना चीज ये समझ में आ गया कि सप्लाई एंड डिमांड डाउन ट्रेंड में डिमांड नहीं होती है, अप ट्रेंड में सप्लाई नहीं होती है। नहीं तो अगर सप्लाई डिमांड होता तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता, ठीक है, सिंपल। अब तुम्हें दूसरा चार्ट ड्रॉ करता हूँ, उस पर समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हें गाइस बताता हूँ कि देखो सप्लाई पे कैसे ट्रेड होती है एंड डिमांड पे कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हारा ये मार्केट आ रहा है नीचे, और यहाँ पे अगर तुम्हारा ये मार्केट फिर गया, यहाँ पे लोअर हाई बना, अगर तुम्हारा फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाता है, अगर मार्केट तुम्हारा लोअर लो बनाता है और उसके बाद यहाँ पे जाके लोअर, ये जो तुम्हारा लोअर हाई यहाँ तक आता है, अगर यहाँ पे तुम समझ लो कि मार्केट का तुम्हारा लोअर लो बना, मार्केट में अगर तुम्हारा ये लोअर लो बना, तो तुम अगर ये दोबारा मार्केट तुम्हारा यहाँ जाता है ना, तो तुम ब्लाइंडली सेल कर सकते हो, ब्लाइंडली सेल कर सकते हो 3 से 5 मिनट तक, तुम यहाँ से ब्लाइंडली सेल कर देना। ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट यहाँ से तुम्हारा रिवर्सल हो जाएगा। अगर यहाँ पे लोअर लो बन रहा है तो तुम ब्लाइंडली सेल कर सकते हो। अब देखो अगर मार्केट यहाँ से लोअर लो बना रहा है, अगर मार्केट यहाँ से तुम्हारा लोअर लो बनाया और उसके बाद मार्केट दोबारा जब आया, तो लोअर लो बनाया नहीं, इसको टच नहीं किया, इसको नहीं टच किया और हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, तो उसके बाद तुम कुछ भी कर लोगे दोस्त, मार्केट यहाँ से जाएगा यहाँ से यहाँ। अब इसके बाद अगर यहाँ पे लोअर हायर लो बन गया, अगर तुम्हारा यहाँ पे हायर ले बन गया है, हायर लो बन गया है, तो तुम यहाँ पे सेल नहीं करोगे, तो तुम इस जगह सेल नहीं करोगे, अगर सेल करोगे तो लॉस करोगे। तुम कितना भी कुछ कर लोगे, अगर यहाँ पे तुम्हारा हायर लो बना है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, इस पे दो में इसमें थोड़ा सा रिटेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ से लेकिन यहाँ से चला जाएगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। अगर तुम इस प्रीवियस लोअर हाई को ट्रेड कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लोअर लो नहीं बना, देखो मैं तुम्हें क्लियर वे में बताता हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हारा ये लोअर तुम इस लोअर हाई पे तुम ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा लोअर हाई बनना हायर लो बना है, तो इस पे तुम ट्रेड डाउन की नहीं ले सकते हो, याद रखना। अगर यहाँ तुम्हारा हायर लो बना है तो यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि जाएगा ये यहाँ से, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से अप निकल जाएगा। और अगर इस तुम प्रीवियस लोअर हाई पे ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे लोअर लो बनना जरूरी है। क्लियर वे में डाउन ट्रेंड का समझ तुम्हें आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से बता दिया। अब तुम्हें बताऊंगा हर एक कैंडल में कैसे जज किया, मतलब कैसे लेवल ड्रॉ किया जाता है सप्लाई एंड डिमांड का। पहले इसको सिंपल वे में समझ लो कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। अब देखो अप ट्रेंड में क्या करना होता है, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है। और जो तुम्हें मैंने बताया ना कि जो करेक्शन वेव होता है, ये तुम्हारी करेक्शन वेव होती है, ठीक है। करेक्शन वेव में करेक्शन वेव में मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल आती है लमसम, मेरे हिसाब से करेक्शन वेव में हाँ 3 से 4 कैंडल आती है लमसम। एंड देखो अगर तुम अप ट्रेड में ट्रेड करना सोच रहे हो, और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस हायर लो पे ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, इस हायर लो पे ट्रेडिंग करूंगा मार्केट जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब यहाँ तुम्हारा ये मार्केट अगर हायर हाई बना के आ रहा है, अगर ये तुम्हारा यहाँ से मार्केट, तुम सोच रहे हो कि इस हायर लो पे मुझे ट्रेडिंग करनी 3 से 5 मिनट के लिए, अब अगर ये मार्केट तुम्हारा हायर हाई बना के आ रहा है, तुम यहाँ से इजिली ट्रेड कर सकते हो, कर लोगे 3 से 5 मिनट के लिए आराम से। अगर ये हायर हाई यहाँ पे बना है तो ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट यहाँ से तुम्हारा रिवर्सल हो जाएगा। ये होती है 90-95% चांसेस होते हैं मार्केट के, ऐसे ही मार्केट काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो मैं बोलता हूँ ना मार्केट का स्ट्रक्चर, शॉर्ट वीडियो मेरे देखते हो तो इसको ही बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर, ऐसे ही मार्केट काम करता है। लोअर हाई अगर बनेगा तो तुम्हारा, अगर यहाँ पे लोअर हाई बना है और यहाँ पे अगर लोअर लो बना है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। और बाई चांस अगर यहाँ पे तुम्हारा लोअर हाई बना है और यहाँ पे तुम्हारा लोअर लो नहीं बनता, हायर लो बना देता, तो मार्केट तुम्हारा यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा। एंड अगर तुम अब के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, तो अगर तुम इस लोअर लो पे हायर लो पे ट्रेड करना चाह रहे हो और यहाँ से मार्केट तुम्हारा हायर हाई बना था, तो यहाँ से इजिली ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुम्हारा समझ लो कि इस हाई से नीचे क्लोज होता है, इस हाई से अगर हायर हाई बनाएगा तो तुम ट्रेड कर सकते हो। अगर इस हाई से हायर लो बना के और यहीं से रिवर्सल हो जाता है, तुम कुछ भी कर लो, ट्रेड नहीं भी कर सकते हो,
तब तुम्हें यहीं पे फिर की ट्रेड लगानी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारा ट्रेड लॉस हो जाएगा। अगर तुम्हारा इस हाई से ये तुम्हारा हाई दिख रहा है ना, इस हाई से अगर ये यहाँ पे हायर हाई नहीं बना पाता, मोमेंटम ब्रेक होता है और मार्केट वहीं से नीचे आता है, तो समझ लेना तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। सिंपल सा। अब तुम्हें लेके चलता हूँ दूसरे, मतलब और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, अब बताता हूँ एक कैंडल में तुम्हें कैसे क्या सप्लाई एंड डिमांड जोन लगाना होता है, ठीक है? चलो अब मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सप्लाई कैसे लगाई जाती है, ठीक है? अब देखो, चलो मैं एक तरफ का लगा दे रहा हूँ, जैसे बीयरिश का मैं लगा दे रहा हूँ, अब बुलिश का तुम लोग समझ ही जाओगे क्योंकि मैं इतना अच्छे से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेंटोरशिप के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको भी मैं ड्रॉ करके आपको पूछोगे तो डाउट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? तो इसको क्या करना है, अभी मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अब ड्रॉ करने के बाद ये मैं तुम्हें बीयरिश का बता रहा हूँ, बुलिश का तुम लगा लेना, ठीक है? ये तुम्हारी बीयरिश का मैं लगा रहा हूँ, सप्लाई एंड डिमांड कैसे लगाया जाता है, ठीक है? अब देखो, ये जो तुम्हारी, हम सप्लाई कब लगाएंगे बताओ, हम सप्लाई कब लगाएंगे? जब तक हमें लोअर लो कंफर्म नहीं होगा तब तक हम सप्लाई नहीं लगा सकते हैं। जब तक हमें ये लोअर लो या ये लोअर लो कंफर्म नहीं होता तब तक हम सप्लाई नहीं लगा सकते। इसके पीछे और कुछ का मान लो 3 कैंडल ग्रीन होंगे, उसके बाद ये लोअर लो कंफर्म हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे सप्लाई लगाएंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लोअर लो का मतलब डाउन का ट्रेंड का दे रहा हूँ, तो डाउन ट्रेंड में समझो लोअर लो बनना जरूरी है, ठीक है? और अप ट्रेंड में हायर हाई बनना जरूरी है, तब हम हायर लो पे हम सप्लाई लगा सकते हैं, डिमांड लगा सकते हैं। अप ट्रेंड में हायर लो बनना जरूरी है, तब हम देखो ये समझ लो तुम्हारा ये हाई, तुम्हारा ये हायर हाई बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं डिमांड। अब तुम्हारा जब लोअर लो बनेगा, जब लोअर लो कन्फर्म होगा तब तुम यहाँ पे सप्लाई लगा सकते हो। अब देखो कैसे लगाया जाता है उसको बताता हूँ। ये जो तुम्हें कैंडल दिख रही है, ठीक है, अब देखो ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, पहली डार्क क्लाउड कवर बन गई और दूसरी ने यहाँ पे ब्रेक कर दी। यहाँ पे तुम सप्लाई इजिली लगा सकते हो, और कैसे लगाओगे वो भी बताता हूँ, सप्लाई कैसे लगाई जाती है। यहाँ पे तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, मतलब बेरिश एंगल्फिंग बनी, तुरंत तुम यहाँ पे सप्लाई लगा सकते हो। अब इसमें तुम सप्लाई नहीं लगा सकते हो। अब इसमें तुम सप्लाई क्यों नहीं लगा सकते, उसका रीजन सुनो। क्योंकि जब करेक्शन वेव में ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारी 2 कैंडल दिख रही है, करेक्शन वेव होता है, जो लोअर लो चलता है ये बीच में जो आती है करेक्शन वेव होता है। करेक्शन वेव में ऑलरेडी बायर वीक रहते हैं, ठीक है? और अगर हायर हाई बन रहा है तो करेक्शन वेव में ऑलरेडी सेलर वीक रहेंगे, तो यहाँ पे सेलर वीक है। अगर इस जब सेलर इस सेलर की कैंडल को, ये 3 कैंडल एक बायर की कैंडल को यहाँ पे सेलर की 3 कैंडल मिलकर ब्रेक कर रही है, तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे सेलर भी वीक है। जब ऑलरेडी सेलर वीक है तो यहाँ पे सप्लाई खत्म हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पे आप सप्लाई नहीं लगा सकते हो, इन दोनों पे लगा सकते हो। अब तुम्हें देखो यहाँ ड्रॉ क्यों, इसको इस पे बताता हूँ कि तुम सप्लाई लगा कैसे सकते हो, ठीक है? सप्लाई लगाने का तरीका समझो, हर एक कैंडल पे सप्लाई अलग अलग से लगती है। तो देखो अब तुम्हें समझा रहा हूँ सप्लाई लगती कैसे। तो यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक, क्योंकि ब्लैक लवर हूँ और ब्लैक मुझे अच्छा लगता है। तो देखो इस वीक को लेना और इस वीक को लेना, और ऐसे ये तुम्हारी सप्लाई लग जाएगी। बस यही तुम्हारी सप्लाई होती है। लोअर लो में तुम्हें ऐसे सप्लाई, ये जब लोअर लो बनेगा तुम्हें ऐसे ही सप्लाई लगाना होता है, सप्लाई ऐसे ही लगती है। इन सब कैंडलों को जो सब बताते हैं कि पूरा तुम जितना मार्केट रेंजिंग मार्केट में पूरा सप्लाई लगा दो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। 4-4 कैंडल को लेकर सप्लाई लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसमें तुम क्या करोगे, अगर वीक नहीं होती या वीक होती तब भी तुम्हें बता रहा हूँ, देखो इस कैंडल को ऐसे लेके सप्लाई लगा देना, सिंपल यही तुम्हारी सप्लाई होती है बस। अब मार्केट जब यहाँ से आएगा, यहाँ पे लोअर लो बना चुका, जब मार्केट यहाँ से आएगा यहाँ पे टच करेगा, तो तुम तुरंत यहाँ से डाउन आ सकते हो, ठीक है? अब देखो अब यहाँ से इस बॉडी से लेके इस वीक से लेके और इस वीक तक सप्लाई लगा दो, ठीक? ओके सॉरी, देखो इस बॉडी से लेके और इस यहाँ तक सप्लाई लगा दो, ये तुम्हारी सप्लाई होती है। एंड अब देखो इस पे कैसे लगाना है, बस तुम्हें एक ही कैंडल को पकड़ना है, बार बार 1000 कैंडल ये पीछे इन सबको नहीं लेना है। सप्लाई, मेन सप्लाई तुम्हारी ऐसे ही लगती है दोस्त, याद रखना मेन सप्लाई तुम्हारी ऐसे ही लगती है, ये रियल सप्लाई होती है। इसलिए बोलता हूँ दोस्त, रियल नॉलेज लोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं लोगे तो यहीं रह जाओगे। अब इस पे हम सप्लाई कैसे लगाएंगे, अब आप लोग बताओ कि ये जो नीचे वाली बेयरिश एंगल्फिंग है इस पे हम सप्लाई कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करना है तुम्हें, यहाँ से लेना है और यहाँ से ऐसे सप्लाई लगाना है, समझे कुछ? तुम्हें ऐसे इस पे सप्लाई लगाना है, और इस पे कैसे लगाना है, ये तुम्हारी ऐसे सप्लाई लगेगी, ये तुम्हारी सप्लाई हो जाएगी, ये तुम्हारी सप्लाई हो गई इसमें। बस अगर तुम्हारी
ऐसी कैंडल बनती है, अगर रेड वाली भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और पीछे वाली थोड़ी छोटी है, अभी इसमें कोई कैंडल नहीं, तो तुम ऐसे सप्लाई लगा देना। ऐसे लगाते हैं सप्लाई, और इन सब में ऐसे ही सप्लाई लगती है कि रेड कैंडल को पहले वाले कैंडल को लेकर सप्लाई लगा दो, वही तुम्हारी सप्लाई होती है। जब भी तुम्हारा मार्केट लोअर लो बना के आएगा, तुम यहाँ से सीधा सीधा तुम ब्लाइंडली सेल कर सकते हो 3 से 5 मिनट तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंडीशन, सप्लाई कब लगाते हैं, जब तुम्हारा लोअर लो कन्फर्म होगा तब तुम यहाँ पे सप्लाई लगाओगे। जब तुम्हारा लोअर लो ही कंफर्म नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे हायर हाई बना देगा, तो इसको यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके निकल जाएगा। अभी वीडियो को पीछे जाके देख लेना, इसमें बताया हूँ, ठीक है? यही होता है बस। मैं देखो ज्यादा चैप्टर वगैरह बड़ा नहीं करता, जो चीजें बताता हूँ रियल नॉलेज देता हूँ, एंड छोटे छोटे चैप्टर में तुम्हें बता के ऐसे समझा देता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, बस यही चीज है। जो लोग तुम्हें एक एक घंटे में पूरा खिचड़ी बना के पका देते हैं ना, वो तुम्हारा चूतिया काटते हैं, तुम्हें रियल नॉलेज देंगे नहीं, और एक ही चैप्टर को मैजिक बी एफ फलसी लगा के इतना बड़ा बना देंगे कि भाई साहब बताओ ना, एक एक घंटे 40 40 मिनट 50 50 मिनट की क्लास, 1.5 1.5 घंटे की क्लास, बताओ क्या है यार? जो है जेनुअन बताओ, उसमें खिचड़ी क्यों बना रहे हो तुम, इतना पकाते क्यों हो सबको कि चलो ये बना दो भाई? बस जेनुअन वे में, एक सिंपल वे में तुम्हें बता दिया, सप्लाई ऐसे लगाई जाती है और डिमांड भी ऐसे ही लगाया जाएगा। अगर डिमांड लगाना हो तो इसको ग्रीन कैंडल को यहाँ से लेना, अगर तुम्हें डिमांड को लगाना हो नीचे से, अगर लगाना हो ऊपर, अगर बड़ा हायर 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 आई बनता है, चलो ये देखो, देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसको भी लगा के तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये चीज तुम्हारा है, यहाँ से ले लेना ये, बस बस यही चीज है। ऐसे जो तुम्हारी ये इस ग्रीन कैंडल से अगर एक ही कैंडल बड़ी होगी तो ऐसे लगा देना, बस सिंपल सा, यही सप्लाई होती है। एंड आप ट्रेंड में लगाना हो तो ऐसे जैसे मैंने बताया, पहली कैंडल को लेकर लगा देना। अब तुम्हें चलो बताता हूँ कि सप्लाई में कौन कौन सी लाइन होती है और कौन कौन सी लाइन कैसे वर्क करती है, ठीक है? 3 लाइन होती है, एक प्रॉक्सिमल लाइन होती है, एक डिजिटल लाइन होती है, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये तीनों कैसे वर्क करते हैं ये चीज़ बताता हूँ, चलो उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है? बस सीखो यार, रियल लर्निंग लो, फालतू यूट्यूब के चक्कर में क्यों पड़ते हो, तुम्हारा चूतिया काटते हैं वो लोग। रियल लर्निंग तुम्हें कोई नहीं देगा पीएलटी के सिवा, ठीक है? तो तुम्हें रियल लर्निंग मिले, सीखो, आगे बढ़ो। चलो आ जाओ अपने एडवांस लर्निंग में। अब तुम्हें बताता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड में जो ऊपर का और बीच बीच में का लाइन होता है, और ऊपर का लाइन होता है और नीचे का लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा सुनो, बीच का जो लाइन होता है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जो ये नीचे की लाइन होती है, जो प्राइस इस प्राइस के जो अबव रहेगा, मतलब जो इस प्राइस के पास रहेगा, उसको प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं। एंड जो इस प्राइस के, मतलब जो ऊपर वाली लाइन होती है, उसको डिजिटल लाइन बोलते हैं। एंड जो यहाँ पे ये जो ये कैंडल होती है ना, ये जो कैंडल होती है, इसको बोलते हैं बेसिंग कैंडल। अब देखो इसको बोलते हैं बेसिंग कैंडल। अब तुम्हें बताता हूँ इसका यूज और तरीका, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड को यूज कैसे करते हैं भाई? कोर्स तो मेरा चला ही जाएगा यूट्यूब पे, मैं मान लो डाल ही दूंगा, लेकिन एक सेकेंड रुक जाओ, जरा पापा बुला रहे हैं। हाँ चलो, कोर्स तो चला ही जाएगा, मान लो मैंने यूट्यूब पे कभी डाल भी दिया, वैसे तो मैं डालूंगा नहीं, मान लो अगर कभी डाल भी दिया तो यूज करना कौन बताएगा ये सब चीजें? यूज करना तो मैं ही बताऊंगा ना, मान लो मैंने ऐसे बना के वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए, सब डालते हैं, तो यूज करना कौन बताएगा? इसलिए मैं बोलता हूँ कोर्स लीक भी हो जाएगा ना तो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि बिना डाउट क्लियर हुए कुछ नहीं होगा। मैं अपना तुम लोग का इसीलिए अलग डाउट का क्लास लेता हूँ और इसका क्लास अलग लेता हूँ कि तुम लोग सीखो अच्छे से, पहले लर्निंग अलग लो, डाउट अलग क्लियर करो, तब तुम ट्रेडर बन पाओगे। और लोग आते हैं तो मैं एक एक घंटे में एक ही चैप्टर पढ़ा के मैजिक भी फलाना ढमका तुम्हारी पूरी क्लास खत्म कर देंगे और तुम्हें कुछ आएगा और जाएगा भी नहीं। अब तुम्हें चलो बताता हूँ ये काम कैसे करता है, ठीक है? तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर ये एक तुम्हारी ग्रीन कैंडल यहाँ से आती है, तुम सपोज करो कि तुम्हारा नीचे लोअर लो बना है, तुम्हारा नीचे लोअर लो बना है,